News 18, India. नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं अमीश देवगन। आज सबसे पहले आपको एक तस्वीर के जरिए यह बताना चाहता हूं, यह दिखाना चाहता हूं कि मात्र 10 सेकंड में कुर्सी कैसे खिसक जाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार सूबे के गवर्नर ने हाईटी का आयोजन किया था। सीएम नीतीश कुमार के बगल में कुर्सी खाली थी जिस पर तेजस्वी यादव का बकायदा नाम चस्पा था, यानी लिखा हुआ था। तेजस्वी यादव वहां पहुंचते इससे पहले ही नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी नाम की पर्ची फाड़कर खुद उस कुर्सी पर बैठ गए, यानी विराजमान हो गए। और इस संकेत में कई बड़े संदेश छुपे हैं, क्योंकि बिहार से उठा सियासी तूफान इंडिया गठबंधन की नींव इस समय हिला चुका है। आरजेडी से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने एनडीए में आने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है, और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए विपक्ष के हाथ से सिर्फ बिहार की सत्ता नहीं जाएगी, बल्कि विपक्षी गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मेरी बात बकायदा याद रखेगा, क्योंकि शायद नीतीश कुमार ने इस बार एक तीर से कई शिकार करने का मन बना लिया है, जिसका संपूर्ण विश्लेषण आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे प्रबुद्ध बहस, नीतीश का गेम इंडिया का गेम ओवर। नजदीकियां जब दूरियां बन जाती हैं तो सियासत में ऐसी तस्वीर सामने आती है। नीतीश और तेजस्वी के बीच मात्र एक कुर्सी की दूरी नहीं, बल्कि ये बिहार और देश में बदलते सियासी समीकरण का संकेत है। अगर एनडीए के लोग नीतीश कुमार को अपने में लाने के लिए स्वीकृति देते हैं, जो मूर्धन्य पार्टी है, तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है, तो दरवाजा बंद रहता हो सकता पड़ने पर खुल भी सही भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो इन चीजों को तय करता है। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय कंफ्यूजन ये इधर उधर वो सब स्पष्ट हो जाए। पहले ही दो बार वो पाला बदल चुके हैं, अब अगर तीसरी बार वो पाला बदलेंगे तो बिहार की जनता की नज़र में जो उनका एक छवि है वो ख़त्म हो जाएगी। झटका देखिए, नुकसान तो होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पैनी नज़र पल पल बदलती परिस्थितियों पर रखी हुई है, ऐसे में मुझे लगता है सही समय का सबको इंतज़ार करना चाहिए। खबर ये भी आई कि सत्ता खिसकने का डर सताया तो लालू यादव की पार्टी ने जीतन राम मांझी पर डोरे डाले, उनके बेटे को डिप्टी सीएम का ऑफर भी दिया, लेकिन ये दांव भी फेल हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोग हैं, उनकी छत्र छाया में हैं। अगर आते हैं तो हम स्वागत करें, हम कह रहे हैं कि एनडीए में अगर आते हैं तो नीतीश जी गलत जगह पर है, अगर यहाँ आते हैं ही सही जगह है। लेकिन नीतीश की ये नाराजगी सिर्फ आरजेडी से नहीं है, सूत्रों का दावा है कि नीतीश कांग्रेस से भी खासे नाराज है। सवाल है कि कभी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार बने नीतीश कुमार ने क्या विपक्षी गठबंधन की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।